किलर सूप की कहानी में एक महत्वाकांक्षी महिला शेफ है जिसे एक रेस्टोरेंट खोलना है, लेकिन अफसोस कि उसमें टैलेंट जरा कम है। एक हत्या की साजिश है जो विफल हो जाती है, इस कारण एक नई साजिश बुनी जाती है। वह अपने पति की जगह अपने प्रेमी को ले आती है। एक गहरा राज है जिसे वह छुपाती है। इस कहानी में एक लोकल इंस्पेक्टर है जो जांच में जुटा है और तब तक सांस नहीं लेगा जब तक मामले की तह ना पहुंचे और सारे रहस्य ना सुलझा ले। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सीरीज की शुरुआत स्वाति रेड्डी से होती है, जिसका रोल कोंकणा सेन शर्मा ने किया है। वह अपने पति प्रभाकर शेट्टी यानी मनोज बाजपेयी को पेय सूप परोसती है। स्वाति जहां इसको लेकर बहुत उत्सुक है, वहीं प्रभाकर के चेहरे पर साफ है कि वह सूप पीने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। उसकी यह अनिच्छा देखकर समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहीं से इस वेब सीरीज की दिशा तय हो जाती है। कहानी के केंद्र में स्वाति है और उसकी रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसमें धोखा, झूठ, लेन देन के रिश्तों और शैतानी दुनिया की झलक मिलती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ घटनाओं के कारण स्वाति अपने प्रेमी उमेश पिल्लई को अपने पति प्रभाकर की जगह रिप्लेस करती है। इस बीच एक अपराध हुआ है और अब दोनों खुद को एक इंस्पेक्टर नासिर और प्रभाकर के क्रिमिनल भाई अरविंद शेट्टी सयाजी शिंदे से बचाते फिर रहे हैं। दोनों जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं उतनी ही गहरे दलदल में फंसते चले जाते हैं। किलर सूप में एक बेहतरीन थ्रिलर के लिए सारे मसाले हैं। अजीब से किरदार हैं जो इस खूबसूरत लेकिन भयावह कहानी को मजेदार अंदाज में रोमांचकारी बनाते हैं। कहानी में अलौकिकता और काव्य भी है। ये सारी चीजें मिलकर मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की इस वेब सीरीज का एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। दिलचस्प ये है कि किलर सूप कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, लेकिन कहानी कहने का तरीका और इसका ट्रीटमेंट ऐसा है जो पूरी सीरीज को एक रहस्यमय परत के नीचे रखती है। इसका असर यह होता है कि आप एक तक इसके साथ गोते लगाते रहते हैं। किलर सूप बारीकियों से भरी और कई परतों से समाये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जो आपको बांधे रखती है। अभिषेक चौबे एक ऐसी डिश लेकर आए हैं जिसका स्वाद लंबे समय तक साथ रहेगा। सीरीज देखते हुए कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभिषेक चौबे प्लॉट पर अपनी पकड़ पर पकड़ ढीली नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को मिलाया है। ऐसे ही वीडियो दिखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।